मम्मा, अफशीन, अबू, आज वेज खाना खाएंगे। आज हम एक और व्लॉग बनाएंगे, है ना? हाँ। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा मन कर रहा था कि हम कोई वेज डिश खाएं, तो बिनिश ने कहा कि चलते हैं एक गुजराती रेस्टोरेंट में जो कि घर के पास में ही है। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं और गुजराती थाली ट्राई करने का आज मन किया हमारा, तो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि क्या कुछ खास है आज की गुजराती थाली में। ये रेस्टोरेंट शारजा में हमारे घर के पास में ही है, तो हमने सोचा कि यहाँ पर ही विज़िट करें और टेस्ट करें और आपको भी बताएं कि ये रेस्टोरेंट कैसा है और गुजराती थाली में हमें क्या क्या वैरायटीज़ मिलती हैं, वो अभी चेक करेंगे हम और आप भी देखिएगा। और ये शारजा का अल महत्ता पार्क है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा पार्क है, फैमिली पार्क है। यहाँ पे अफशीन को हम लेके आते थे खेलने के लिए, बट जब से ये कोरोना वायरस का स्टार्ट हुआ है तब से बंद हो गया अफशीन का खेलना यहाँ पे। देखते हैं कब खुलेगा ये पार्क और अफशीन फिर से यहाँ पे आ पाएगी। इस पार्क में काफ़ी राइड्स हैं और झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। अफशीन रेस्टोरेंट की तरफ जा रही है। वैसे तो अफशीन ने अपना लंच कर ली है ऑलरेडी, फिर भी हमारे साथ चल रही है। देखते हैं अफशीन भी कुछ एंजॉय करेगी या नहीं। ये जो रेस्टोरेंट है घर के एकदम बिल्कुल पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो हम वॉक करते करते ही पहुंच चुके हैं यहाँ पे। माता पार्क के सामने ही है। यह है रेस्ट्रो। मजीज अल पंजाब कैफेटेरिया। यहाँ पे हम जा रहे हैं गुजराती थाली ट्राई करने के लिए, मैं, अफशीन की मम्मी और अफशीन। अफशीन मेन्यू कार्ड चेकआउट कर रही है। अफशीन क्या ऑर्डर करोगी? अफशीन को समझ में नहीं आया तो उसने थ्रो कर दिया मेन्यू कार्ड। काफ़ी वैरायटीज हैं वैसे मेन्यू कार्ड में, तो बट हम लोग ऑर्डर करेंगे गुजराती थाली। रेस्ट्रो का थोड़ा सा एम्बियंस देख लीजिए, काफ़ी डिसेंट सा और अच्छा सा रेस्टोरेंट है वेज खाने के लिए। अफशीन को भी अच्छा लग रहा है। तो बिनेश, आप यहाँ पर क्या खाना पसंद करोगी? थाली, दो गुजराती थाली दे दीजिएगा। बिनिश की और अफशीन की कॉन्वर्जेशन चल रही है। अफशीन के लिए स्पेशल स्वीट आया है। पसंद आई मिठाई आपको?
अश्विन से वाओ वाओ अश्विन अश्विन को मिठाई खिला रही है विनेश अश्विन अपने हाथों से खा रही है मिठाई एंड शी इज रियली एंजॉयिंग इट अश्विन हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है आप क्या कर रहे हो आपकी छोटी सी प्लेट प्लेट के साथ खेलते नहीं बेटा उसमें खाते हैं हमारी थाली रेडी हो रही है और हमारी दो प्लेट थाली आ गई ये भिंडी की सब्जी है दाल है चपाती है पर तुम तो भिंडी नहीं खाते अब वेज रेस्टोरेंट में आए हैं तो खाएंगे सैलेड ये दाल भिंडी की सब्जी रोटी और ये दाल सो अब टेस्ट करते हैं और देखते हैं आज का खाना कैसा बना है वेज डिश जैसा कि विनीश ने कहा मैं वेज ज़्यादा नहीं खाता हूँ बट आज गुजराती खाना खाने आए हैं तो वेज तो खाना ही पड़ेगा यह है भिंडी की सब्जी अच्छी लग रही है वैसे रेस्टोरेंट में मुझे वेज खाना अच्छा लगता है घर पे ही पसंद नहीं आता और ये सब्जी जो है वो अक्खी मूंग की दाल की सब्जी है ये भी खा के बताता हूँ कैसी बनी है अच्छी लग रही है मुझे भिंडी से ज़्यादा ये सब्जी पसंद आई है प्लस रोटी भी काफ़ी सॉफ्ट है दैट इज बिकॉज इनको भिंडी पसंद नहीं है विनीश कह रही है मुझे भिंडी पसंद नहीं है इसलिए मुझे भिंडी पसंद नहीं आई और मुझे कैसी पसंद आई है यह है दाल तुअर की दाल है दाल चेक करें कैसी बनी है दाल भी काफ़ी अच्छी है गुजराती रेस्टोरेंट्स में खाना काफ़ी अच्छा मिलता है सैलेड्स में मेरा फेवरेट वैसे प्याज है तो मैं कोई भी खाना हो उसके साथ प्याज खाना पसंद करता हूँ ये ले ली है मैंने प्याज ये सैलेड की जो प्लेट आई थी उसमें ये है तीखी चटनी ये है मिर्ची ये है प्याज की बाउल जो कि मुझे काफ़ी पसंद है मैंने ऑलरेडी ले लिया है प्याज नींबू की एक बाउल अचार की बाउल एक ग्रीन चटनी और ये सारे कॉलीफ्लावर बीटरूट और कैरेट को छोटा छोटा कट करके रखा हुआ है UAE में एक खास बात है गुजराती रेस्टोरेंट्स की आप जहाँ भी जाएं आपको
छाछ एज अ कॉम्प्लीमेंट मिलती है। छाछ यानी बटर मिल्क और इसे लबान भी कहा जाता है यूएई में। सो विनीश ने पी है, मैं भी पीता हूँ। मैं एक्चुअली जब मैं आबू धाबी में था तो वहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, मैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता था मुझे छाछ वगैरह के साथ गुजराती थाली खाना। ये नमकीन है, मैं उसमें शक्कर डाल के पिया करता था। छाछ में मैंने शुगर मिक्स की है, मुझे छाछ शुगर के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। अब आया इसका टेस्ट। साथ में पापड़ भी आएंगे तो ये भी काफी कुरकुरे लगते हैं रोटी के साथ साथ खाने के लिए। गुजराती रेस्टोरेंट्स में फ्राइडे वाले दिन स्पेशल डिश होती है, तो उसमें आपको सब्जियों के वैरायटी के साथ साथ स्वीट्स भी मिलते हैं खाने के लिए। तो अगर आप चाहें तो फ्राइडे वाले दिन आके ट्राई कर सकते हैं। तो आपको जैसे पता होगा हमने गुजराती थाली ऑर्डर करी थी, तो ये अनलिमिटेड थाली है, आपका जब तक दिल ना भरे आप खा सकते हैं। कोई भी सब्जी हो, रोटी हो या राइस हो, स्पेशली मुझे रोटी काफ़ी पसंद आई है, बहुत ही नरम रोटियां हैं। बिनुश कह रही है फुलका है, बट मुझे तो पता नहीं फुलका रोटी में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं इसे रोटी ही कह रहा हूँ। और बहुत ही नरम रहती है, आसानी से टूट जा रही है, बहुत नरम रोटी है। छाछ में शुगर डालने के बाद इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आ रहा है और मुझे पीने में मज़ा आ रहा है। और अब ये राइस आ गया है तो मैं दाल चावल खाता हूँ। दाल चावल भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा और लाजवाब टेस्ट है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी आइए और एटलीस्ट एक बार ट्राई करिए यहाँ का खाना, गुजराती थाली। बने रहिए वीडियो में, आपको मैं इस थाली की प्राइस ही बताऊंगा कि ये थाली यहाँ शारजा में क्या कॉस्ट करती है। वैसे अगर आप फ्राइडे खाते हैं तो वैरायटीज थोड़ी ज़्यादा मिलती हैं स्वीट डिश के साथ। और हम आए हैं आज वीकडे है तो सब्जियों की वैरायटी बट जो भी खाना है काफ़ी टेस्ट। और आपको जान के ये हैरानी होगी, हम लोग यहाँ पे आए हैं संडे को, बट संडे इज अ वीक डे यूएई में। जी हाँ, संडे एक वीक। और ये मैंने मेरी थाली फिनिश कर दी और मैं पूरी तरह से फुल हो चुका हूँ गुजराती थाली खाने के बाद। तो गाइस ये है प्योरली वेजिटेरियन गुजराती रेस्टोरेंट, यहाँ पे आप गुजराती थाली के साथ और भी कई डिशेस वेजिटेरियन डिशेस ट्राई कर सकते हैं। कई टाइप जो भी आपको खाना हो काफ़ी डिशेस आपको मिल सकती हैं, तो आप यहाँ पे आके मेन्यू चेकआउट कर सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, अश्विन को एक कॉम्प्लीमेंट्री मिठाई भी मिली थी जो कि उसने खाई है और काफ़ी इंजॉय किया है, उसके चेहरे से आपको नज़र आ सकता है। काफ़ी खुश लगी है सब यहाँ पे आके। सो हमारा खाना तो पूरा हुआ, अब निकलते हैं हम घर की तरफ, चल के आराम करते हैं इतना कुछ खाने के बाद। चलिए अश्विन, अश्विन हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको? हाँ अच्छा लगा। हाँ अब बड़े हो जाना तो आप भी आके पूरी थाली खा लेना, अभी तो इतने से हुआ। अफशीन ने अपना खाना घर से खा के आई थी बट यहाँ पे आके उसने मिठाई खाई है। चले फिर, हाँ हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। तो चलते हैं और मैं आपको अभी बताता हूँ कि हमारा टोटल बिल कितना है।
भाई बिल दे देंगे। और अफशीन रेडी हो गई है घर की तरफ जाने के लिए, ऑल सेट। अफशीन चले घर, हम लोग जा रहे हैं। बाय 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 बाय। आ रहे हो आप? नहीं आ रहे हो? तो हम निकल रहे हैं घर की तरफ। अफशीन आ जाओ। So guys, we had a nice experience over here in this restaurant. और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा टोटल बिल हुआ सिर्फ 20 dirhams। जी हाँ, सो एक अनलिमिटेड गुजराती थाली यहाँ पे कॉस्ट करती है 10 dirhams, जो कि है 200 rupees। सो गाइज, आई होप आप लोगों को भी गुजराती थाली पसंद आई होगी। तो आप लोग भी जब भी आएँ यहाँ पे गुजराती थाली ट्राई करिएगा फॉर श्योर। और आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलेंगे एक और नए दिन एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय। 'Cause I don't